ऐसा हमारे माननीय शिवराज सिंह जी से, मैं वहां थोड़ा गलती में संशोधन करूंगा, वैश्या माननीय शिवराज सिंह जी से बेहतर है। कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी के इसी बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान मचा दिया है। रीवा जिले के गुड़ से कांग्रेस के विधायक सुंदरलाल तिवारी ने कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को वैश्या कहा था और शनिवार को जब भोपाल में पत्रकारों के बीच पहुंचे तो फिर से अपने बयान को लेकर न केवल अड़ गए बल्कि वैश्याओं को शिवराज से बेहतर बता दिया। सबसे पहले तो आप देखिए कि विधायक जी ने आखिर कहा क्या था जिसे लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। वैश्या शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने अगर शिवराज सिंह जी को वैश्या कहा है तो क्या शिवराज सिंह जी नारी है? क्या नारी तो नहीं है, तो वो अर्थ क्यों लगाते हो जो वैश्या का अर्थ नारी के साथ है? पुरुष के साथ अर्थ लगाइए, मैं वो पुरुष है, पुरुष के नाते हमने उनको वैश्या कहा है। कांग्रेस विधायक अपने साथ बकायदा डिक्शनरी लेकर भी आए थे और उसी डिक्शनरी में से देखकर तिवारी ने बताया कि उन्होंने शिवराज को किस संदर्भ में वैश्या कहा था। और मुझे मालूम था कि आप लोग ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं अपने साथ डिक्शनरी भी लेके आया हूँ कि वैश्या शब्द का अर्थ क्या होता है, मुझे मालूम था इसलिए मैं लेके आया हूँ। और आप देख लें, मैं एक विधायक हूँ, एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं गलत चीज बोलने का आदि नहीं हूँ। विधानसभा के अंदर भी ये माननीय शिवराज सिंह जी भी जानते हैं। एक व्यक्ति अफसोस नहीं, मैंने कम कहा है, मैं कह रहा हूं आपसे। अब आगे देखिए, प्रोस्टिट्यूट अंग्रेजी में, अब हिंदी में आप देखिए, अपने गुण योग्यता आदि को निंदित काम में लगाना, ये मैं डिक्शनरी यहां रख रहा हूं, इसके बाद आप लोग देख, निंदित काम, गुण को अपने निंदित काम में लगाना, ये भी प्रोस्टिट्यूट का एक अर्थ है। अब सुंदरलाल तिवारी के इसी बयान पर बीजेपी तिलमिला गई है। सूबे के राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने इसके लिए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। देखिए, ये कांग्रेस की परंपरा है, बिलो द बेल्ट जाकर आरोप लगाना, और कांग्रेस मध्य प्रदेश और देश की राजनीति का माहौल बिगाड़ना चाहती है। इस बार तो उन्होंने हद कर दी, जब शोभा ओझा जी जो उनकी मीडिया की प्रभारी हैं, कांग्रेस के मुख्यालय में उन्होंने इस बात को कहा है, इसका मतलब ये उनका ऑफिशियल बयान है, ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, इसमें राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और इस बात को भी लेकर जनता प्रश्न पूछेगी कि मणिशंकर अय्यर को आप चुनाव के समय तो बाहर कर देते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद उनको ले लेते हैं, और इसी तरह तिवारी जी चुनाव के पहले ऐसे बयान दे रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं? तिवारी जी जैसे संस्कारहीन व्यक्ति को ताकत उस समय मिल जाती है जब मणिशंकर अय्यर को इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी कांग्रेस वापस ले लेती है। इस बात का जवाब इस चुनाव में जनता लेगी और कांग्रेस को निश्चित रूप से इस तिवारी जी के इस बयान का खामियाजाना भुगतना पड़ेगा और हम इसको चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे। भले ही बीजेपी कांग्रेस विधायक के इस बयान पर आग बबूला है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सुंदरलाल तिवारी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस संदर्भ में तिवारी ने सीएम शिवराज को वैश्या कहा वो गलत नहीं है। तिवारी जी का सवाल है, तिवारी जी ने के जो जो सोच थी, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को कहा, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और हमने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मीडिया को प्रोस्टिट्यूट बोलते सुना है। हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिर्ची को लेकर सिंधिया जी को इतने गलत शब्द बोलते सुना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से किसी पे उंगली उठा सकती है? जहां तक तिवारी जी का सवाल है, तिवारी जी बिल्कुल साफ तौर पे कह चुके हैं किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा। आप सहमत है कांग्रेस उनके बयानों से? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की लाइन है ये। क्या मुख्यमंत्री का बयान जो सिंधिया जी के लिए उन्होंने मिर्ची से संबंधित दिया था, उससे सहमत है बीजेपी? आपको बता दें कि सुंदरलाल तिवारी इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर बयान दे चुके हैं, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था और खुद सीएम शिवराज ने बयान पर जवाब देते हुए वैश्याओं को किसी न किसी की बहन, माँ और बेटी बताते हुए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर दिए गए मणिशंकर अय्यर के बयान पर जो बवाल मचा था, लगता नहीं कि कांग्रेस ने उससे कोई सबक सीखा है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो बयान
अब सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं वो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसे एक मुद्दा भी बनाएगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल।